हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. कंपनी जब बायबैक करती है तो एग्जैक्टली होता क्या है? बहुत बार आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बायबैक करना तो है, मेरे पास कंपनी का शेयर है, और आपको लेटर भी आ जाता है कि आपको एक ऑफर की जाती है कि आपका शेयर हम लोग बायबैक कर सकते हैं. अब बायबैक करना है तो क्या करना है, ये सबसे जरूरी पॉइंट आ जाता है. मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि शीतल, बायबैक करने का मतलब क्या होता है? जब कंपनी आईपीओ द्वारा लिस्टेड हो जाती है, स्टॉक मार्केट में जब कंपनी लिस्ट कर लेती है अपना शेयर, तब कंपनी कुछ अपना स्टेक, मतलब खुद कंपनी प्रमोटर्स के पास जो रखती है, उसके बाद में जो भी स्टेक कंपनी बेचना चाहती है मार्केट में, वो आईपीओ के थ्रू बेच दिया. अब जब कंपनी आईपीओ के थ्रू बेच रही है तो एक मैक्सिमम प्राइस हो गया कंपनी को. अभी और वापस वो स्टेक खरीदना है खुद को कंपनी को, तो कंपनी मतलब ऑलरेडी प्रमोटर्स ने कुछ हिस्सा रख लिया था, समझ लीजिए 60% कंपनी ने हिस्सा रख लिया था और 40% कंपनी खुद का स्टेक जो था वो मार्केट में हम लोगों के साथ शेयर कर लिया था. काफी सारे उसमें इन्वेस्टर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, FIs हो गए, फिर DIs हो गए, काफी सारे. तो अब जब ये सारा डाटा आ चुका है मार्केट में और अभी कंपनी चाहती है कि खुद का स्टेक बढ़ा ले, खुद का स्टेक बढ़ाने का अगर कंपनी सोचती है तो कंपनी हमें ऑफर करती है कि आपके पास 100 शेयर है तो उसमें से मुझे आप 30 दे सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड बायबैक. मतलब आपकी ही चीज आप ही खरीद रहे हो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देके. जैसे कि अभी अगर मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, काफी सारे शेयर्स बायबैक कर लेते हैं. 2016 में विप्रो का बायबैक आया था, जबकि उसका करंट मार्केट प्राइस था, जब 2016 5 मई 2016 को अगर आप जाके देखोगे, पूरी हिस्ट्री निकालोगे, तो आपको पता चलेगा 2016 5 मई को विप्रो का प्राइस था 288 रुपीज. अब कंपनी ने बायबैक ऑफर दी, वो दी 320 रुपए पे. 320 पे जब आपको बायबैक ऑफर दिया गया कंपनी का, मतलब 10 रुपए और मतलब लाइक 10 रुपए से कंपनी ज्यादा से आपको मांगने की कोशिश कर रही थी. मतलब ऑलमोस्ट 11% मैक्सिमम प्राइस पे कंपनी बायबैक आपसे ले रही थी. तो आपका रिटर्न कितना हो गया था? 10 से 11% का रिटर्न आपको मिल रहा था. सो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन भी इसे बोला जाता है. तो इससे शेयर होल्डर्स को तो बेनिफिट होता ही है, क्योंकि आपको तो 10 और 20 11% का बेनिफिट हो ही रहा है ना. 288 का आप 320 पे बेच रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आप 30 रुपए का डिफरेंस चाह रहे हो. 30 रुपए का डिफरेंस मतलब 10 से 11% का प्रॉफिट आपको एक शेयर में हो रहा है. बट जरूरी नहीं है कि ये आपके 100% शेयर्स ले लेंगे. उनका भी एक कैटेगरी होता है कि उस हिसाब से ही उस कैटेगरी में वो शेयर्स लेंगे. तो बायबैक करने के लिए फिर कंपनी मार्केट से क्यों करती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बायबैक कर रही है तो क्या कंपनी मार्केट से डीलिस्ट हो रही है, सारे शेयर्स खरीद के अपना शेयर डीलिस्ट करवा रही है, वो जानना बहुत जरूरी है. कंपनी मर्ज हो रही है या अपनी जो ओनरशिप है, अपना जो प्रॉफिट रेशियो है और ज्यादा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि मेरी जो कंपनी है वो और ज्यादा काम करने वाली है. अगर और ज्यादा काम करने वाली है तो मैं अपना स्टेक क्यों ना बढ़ा लूं. दैट इज कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी और उसे ही बोला जाता है कॉर्पोरेट एक्शन. तो ये कॉर्पोरेट एक्शन पे आपको ध्यान देना जरूरी है. अगर आपके पास कोई स्टॉक है और कोई उसे खरीदना चाह रहा है, कंपनी बायबैक में मांग रही है, तो डेफिनेटली वो अगर आप ये सारी चीजें अगर देख रहे हो और बेनिफिट मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटीज मिस करना नहीं है, क्योंकि 100% तो कंपनी बायबैक लेगी नहीं. उसमें भी ड्रॉ सिस्टम के हिसाब से समथिंग कुछ कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करके कंपनी आपके शेयर्स बायबैक लेगी. सो दिस इज द गुड पॉइंट. थैंक यू.